वहीं कटनी में मूसलाधार बारिश से आवागमन बंद कर दिया गया है। बता दें कि मिशन चौक पर अंडर ब्रिज के नीचे जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं स्कूल बस में भी पानी फंस गया है। वहीं स्कूल बस में बच्चों को पुलिस ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला है और नगर निगम की अव्यवस्था से नागरिक अब परेशान हो रहे हैं। वहीं बात करें फ्लाईओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज की, तो वहां भी दोनों जगह भारी जाम लग गया है। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर अंडर ब्रिज का आवागमन फिलहाल के लिए रोक दिया है। पुलिया में पानी भरा हुआ काफी देर जी, क्या स्थिति है अभी यहाँ की? अब यहाँ पानी निकल नहीं पा रहा है, नई पुलिया का निर्माण हुआ इसलिए पानी निकल नहीं पा रहा है, इस कारण से भर गया। देखा जा रहा दो, एक बस एक और पिकअप वैन जी है, भरा पड़ा है। हाँ, एक बस एक पिकअप है जो बस बंद हो गई है। ये बेल लेदर स्कूल की बस है, उसमें बच्चे थे? बच्चे थे। बच्चों कैसे निकाला गया? बच्चे को निकाला गया स्टाफ की मदद से। बच्चे अभी है? नहीं नहीं है। कितने घंटे हुए? एक घंटे करीब हो गए। तो यातायात को क्या डाइवर्ट किया गया? जी सर, यातायात को डाइवर्ट किया गया। क्या नाम है? राजकुमार झारी। अपनी देर बारिश हुई है कटनी में, कटनी की कुल एक घंटे की बारिश में ये सागर पुलिया जो कि हमेशा आज 20-25 वर्षों से पानी भरने का कारण बनी हुई है, जो आज भी वैसी समस्या है। आप देख रहे हैं एक बेल वेदर स्कूल की बस और एक पिकअप आधे से ज़्यादा डूब चुकी और बेल वेदर की बस आधी पूरी डूबी हुई खड़ी है। पानी का निकासी का साधन सही नहीं है यहाँ पे पानी।